A N A N A, बनाना, बनाना मींस केला। अब जल्दी से आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, 10 मिनट बाद आप सबसे पूछूंगी। शिक्षा मैडम जी। हाँ जी। 10 मिनट के लिए फ्री हैं आप? जी जी, बोलिए। कैसा चल रहा है आपका क्लास? बहुत अच्छा चल रहा है। आज आपका क्लास नहीं लगा क्या? नहीं, बच्चे पढ़ रहे थे अपने क्लास में, तो हमें टाइम मिला तो हमने सोचा चलो आपसे मिल लेते हैं। अच्छा, चलिए आइए बाहर बैठ के बात करते हैं। देखिए मजनू लाल जी, आप जाइए, मेरा क्लास चल रहा है, मैं नहीं आ सकती। मैडम, हमके याद हाल सुनाई रहुआ के। बैठ, बात कर रहे ना दो टीचर, बैठ। हा? पढ़ अपना ध्यान से। देखिए मजनू लाल जी, आप हद पार कर रहे हैं। अगर आप नहीं गए यहाँ से तो मुझे मजबूरन प्रिंसिपल जी को बुलाना पड़ेगा। जाइए यहाँ से। मैडम आप जानती हैं ना, अभी हम कुंवारे हैं। जी। तो कुंवारे को आप दुत्कार रही हैं और शादीशुदा आदमी से आप नटमटक्का कर रही हैं। क्या मतलब है आपका? मतलब तो आप बूझ ही गई होंगी, वो जो रोज रोज लड़का स्कूल में आता है ना, उसकी शादी हो गई है। हा? और आप उसके साथ नटमटक्का करके हमें भाव भी नहीं देती हैं। ये क्या बोल रहे हैं आप? जी मतलब हम सही बोल रहे हैं, आपको विश्वास नहीं है मेरे ऊपर तो उसके भतीजे से पूछ लीजिए आप। चलता हूँ। Keep quiet, चुप हो जाओ तुम लोग। हे भगवान, क्यों और की गलती की सजा हमरा के काहे देता है मैडम जी? सच सच बतावा, तोहर चाचा शादीशुदा बाड़न की ना? नहीं तो आज पूरा दिन तोहरा के एंगने मुर्गा बना के रखा। सच सच बताओ तानी, हमरा चाचा के ब्याह हो गइल बा, अब तो जाए दी। अरे आगेलू, कहाँ रह गेलू है? और बैठ, क्रिकेट खेल के बगा। अरे रुका, अरे तो के बताओ तो नहीं। अबे अरे से मार देम तो के। रुका, अरे बताओ तो का भइल? तू हमार नहीं का हो सकत तो तोरा के और के बिना के दे, जान से मार देम तो के। अरे बाप रे, अरे हम मरी है तो तू विधवा हो जेबू। विधवा तो चुड़ैल होई हम ना। देखा बिया जल्दीबाजी में और हमरा मर्जी के बिना भइल बा। और देखा भले हमार बिया ओकरा से भइल बा, लेकिन आज भी हम तोरे से प्यार करेनी। का मतलब भाई प्यार के? देखा अब भगवान ओकर रिश्ता तोड़ के तोरा भाई से ओकर रिश्ता तोड़ के हमरा साथे जोड़ देने, लेकिन हम तोहार कसम खा के कहता नहीं, आज तक हम ओकरा के छोले नहीं की, आज भी हम तोहरे से प्यार करें नहीं। तका, बिया कर पा हमसे? हाँ, काहे न करब, हम तोहरे से प्यार करें नहीं तो काहे न तोहरे से बिया करब। चला तू कहता अभी तोहरे से गुप्त बिया कर लेता नहीं। गुप्त रोग होला, गुप्त बिया ना। अरे जवान कुछ भी हो थोके, लेकिन हम तो तोहरे से बिया करके तैयार बनी ना, तब तो के भरोसा हो जाए ना कि हम तोहरे से प्यार करें नहीं। ना, पहले ओके तलाक तो, तब हम सोचब। ए भगवान, ई कौन मुसीबत में पड़ गई। भूमि जी, हमके तो से कुछ बात करे के रहे। कहा का बात बा? बहू, दादाजी बहरे बैठल बाड़े खाए खातिर, लेके आवा। जी
भूमि जी का भाई कुछ ना दिन से देख रहल बानी तू हमरा से कुछ कहल चाहता रह पर कह नहीं के पावत ना तो राजा हम तुहार पत्नी बाद में हैं पहले तुहार दोस्त हैं बतावा ना का बोलल चाहता रह अब ऐसन कौनो बात तो नहीं के कौनो बात नहीं के देख रहल बानी तू हमरा से कुछ कहल चाहता रह पर कह नहीं के पावत ना तो राजा हम तुहार पत्नी बाद में हैं पहले तुहार दोस्त हैं बतावा ना का बोलल चाहता रह अब ऐसन कौनो बात तो नहीं के कौनो बात नहीं के ली चाय हाँ रख दो एक का चुड़ी टूटल नहीं खेबा का भाई हाँ काल राहुल बाबा सोचत रहलेन कि देवर जी बाप काहे नैखन बनत देवरानी साहबा के कुल सुहागन चूड़ी देख के पता चलता कि देवर जी और उनकरा बीच में कुछ ठीक नहीं खे अब चूड़ी देख के तू भविष्यवाणी करे लगलू जा ना किचन में कुछ कार होई जा कुछ काम करो सब कुछ ठीक बा अरे कुछ ठीक नहीं खे ये हम दावा के साथ कहता नहीं हम दावा के साथ कहता नहीं सब कुछ ठीक बा तब लाहे चाय तो ठीक से बनते नहीं खे भविष्यवाणी करे लगलू जा जा अपन काम करा जा खा अरे राजा के खनवा लावा जल्दी ना ना तू लोग खा हम क्या आ जाए अरे 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 का भाई का भाई अरे भूमि भूमि अरे अरे नीरज मुंह का देखत बड़ा गाड़ी निकाला गाड़ी जल्दी हॉस्पिटल लेके जा भूमि के अरे जल्दी जा गाड़ी निकाला तनी हां चल जल्दी लेके आ बेटा चल 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 जल्दी कौन डॉक्टर साहब सब ठीक तो बा का भेल भूमि के पेट में दर्द था अब ठीक है मैंने दवा दे दी है अच्छा ये सारी रिपोर्ट्स मैंने निकलवा ली है रिपोर्ट्स के अनुसार पता चला है कि आपकी पत्नी कभी मां नहीं बन सकती उनके पेट में जो दर्द था उसके लिए मैंने दवा लिख दी है अब आप चाहें तो उन्हें घर ले जा सकते हैं बेटा दो आराम करा ना माँ जी अब हम एकदम ठीक बने कोनो दिक्कत नहीं के हाँ हेलो दादाजी भूमि कभी माही ना बन सके ले क्या हाँ दादाजी आप कुछ आराम बाना बेटा
ठीक हो जाए। भूमि बेटा अब तबीयत कैसी? अरे नहीं नहीं नहीं, तुम लेटी रहो, आराम करो, तुमको आराम की जरूरत है। राजा इधर उधर घूमना बंद करो, फालतू में घूमते रहते हो, घर में रह के बहू की सेवा करो और देखभाल करो बहू की। जी। पर बाबा अब हम ठीक बानी। हाँ तुम ठीक हो बिल्कुल, लेकिन तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम आराम करो, तुम घर के काम की चिंता मत करो, बड़ी बहू सब संभाल लेंगी। वैसे भी आज तक सारा काम हम ही संभालत रहनी और आगे भी संभाल ले, इनकरा के थोड़ी ना कुछ भइल बा, बस लेके निखे पैदा कर सकत, बाकी सब तो ठीक ही बा। ए बड़ी बहू तुम्हारी जुबान ऐसे बहुत चलती है, जाओ यहाँ से जाओ, संभाल लेंगी। बाबूजी बड़की दुल्हन तो ठीक है ना कहतारी। भूमि बेटा इन लोगों की बात को दिल पे मत लेना, समझी बेटा, तुम सिर्फ आराम करो, मैं हूं ना, आराम करो। राजा हाँ बाबा, बहू की देखभाल करो। जी ठीक है, ठीक मैं चलता हूँ बेटा। जी अच्छा बेटा तू आराम कर, हम आते नहीं। राजा हाँ, तू ख्याल रखिए। बस आखिरी गोली बा खाला। राजा कब ले ऐसे ही हमार बोझ ढोआ बा? मतलब ये कि हम चाहता नहीं कि तू दूसर शादी कर ला। का बोलो तारो? हम एकदम ठीक है कहा तनी, तनी सोच के देखा, आज तो सब कुछ ठीक बा, पर समय के साथ जैसे हमनी के उम्र ढली और हमनी के पास लड़का बच्चा ना रही है, तो बुढ़ापा में हमनी के सहारा क्या बनी? और तू बिल्कुल चिंता मत करा, जैसे एक घर में दो बहिन प्यार से रहेली वैसे ही हम उकरा साथे प्यार से रह ले, भगवान के भी यह मर्जी है। प्लीज तू दूसर बिया खातिर मान जा। इतना आसान नहीं, अगर हम मान भी जाए, घर वाला लोग मान भी जाए, बाबा कबो न मनिए। बाबा के हम मना ले, पागल हो गए तुम दोनों, पागल हो गए हो, सात जन्म साथ रहने का वादा किया था और अभी 7 महीने नहीं बीते और शादी टूटने की बात हो रही, आखिर क्या दिक्कत है लोगों की शादी से, बोलो क्या दिक्कत है? भूमि माई नहीं खे बन सकत और रउआ कहता नहीं कि कौनो दिक्कत नहीं खे। बहू बाबा दीदी ठीक है तो कहता रही, जब हम संतान सुख नहीं की दे सकत तब कम से कम इनका के दूसर ब्याह कर लेवे के चाहिए, ताकि ये घर में खुशी आ सके और यही मैं हमनी दोनों लोग की सहमति बाबा। लेकिन मेरी सहमति नहीं है। और हम सहमत नहीं खी, ये दूसर ब्याह के बात कही तू लोग बंद करा। बाबूजी यही से ना कहत रही कि शादी ब्याह के मामला बा तनी सोच समझ के करी, लेकिन रउआ का ये का भइल, शादी ब्याह टूटे के कगार पर आ गइल बा। तुम चुप रहो, एकदम चुप। भूमि बेटा अभी आपकी बहुत बड़ी उम्र पड़ी है, पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारी, बेटा मैंने राम नारायण जी से वादा किया था कि आपकी पोती को हमारे घर में कोई कष्ट नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन बेटा इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार राम नारायण जी से बात करना बहुत जरूरी है और मैं उनसे बात करूंगा। हाँ बेटी,
क्या तुम भी यही चाहती हो? हाँ बाबा। बिटिया हमके तो लगा था तू ही कोनो मजबूरी में फैसला लेता हो। ना पापा, कोनो मजबूरी नहीं थे, बल्कि हम तो खुद इनका के दूसर ब्याह करे खातिर कहनी है। देख लिया ना राम नारायण, देख लिया ना आपने। अरे मैं समझा समझा के थक गया हूँ इन लोगों को, लेकिन ये लोग फैसला ले चुके हैं। चाचा जी, अगर कोनो दूसर ब्याह हुई तो हमार बिटिया रही कहाँ, नैहरे में और समाज का कही? ना पापा, हम कहीं ना जाइब, हमारी ये घर है। रहुए तो कह ले रनी कि हमनी के संस्कृति में दान करे के परंपरा है, और एक बार दान दिहला के बाद वापस ना लिहल जाला। कन्या दान के रूप में आप हमार दान कर चुकल बानी, और माई कहत रहली कि नैहर से डोली उठेले और ससुराल से अर्थी, यही से हम अपना ससुराल में ही रहब। और बाबा, हम ये फैसला अपना खुशी से ले ले बानी, यही से हम चाहता नहीं कि हमनी लोग के खुशी के खातिर आप लोग भी अपन सहमति दे दें। ठीक है बेटी, जब तुम सब लोगों ने सोच ही लिया है तो इसी में हमारी खुशी है। भूमि बेटा। जी बाबा, आई बैठी। बैठो बेटा, बैठो। भूमि बेटा, इतना बड़ा फैसला लेने के बाद ये पूछना कि तुम खुश हो या दुखी, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई कारण ही नहीं है पूछने का। अब तुम खुश हो, मुझे इस बात को सुनिश्चित करना था बस। बेटा, राजा की शादी कहां और किस लड़की से होगी इसका फैसला तुम करोगी, ये जिम्मेदारी मैं तुमको दे रहा हूं। लेकिन बाबा, हम राजा और आप मिलके। देखो बेटा, मेरी जिंदगी के अब 4 दिन बचे हैं, लेकिन तुम्हारी तो पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है, पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है बेटा। और मैं चाहता हूं कि तुम राजा की शादी एक ऐसी लड़की से कराओ जिसके साथ तुम पूरी जिंदगी खुशी खुशी गुजार सको, और मैं तुम्हारी खुशी देखकर निश्चिंत होकर मर सकूं बस। हाँ बेटा, अब भूमि बेटा मैं चलता हूं। भूमि, तू ऐसा का करे आइल बड़ू? भगवान जी से अपना पति के खुशी मांगे आइल बानी। कैसन औरत बाड़ू तू? पहले हमर भैया से शादी तोड़ के ओकर दिल तोड़ देलू, और अब राजा के नाम लेके हमर सामने हमर दिल दुखा बताड़ू? दो प्यार करे वाला के पूरा जिंदगी खराब कर देलू। देख शिक्षा, जे भी भाई वो इतना जल्दबाजी में भाई कि का सही है का गलत है ये सोचे कि समय ही ना मिलल। पर कहल जाला ना, भगवान दो प्यार करे वालन के मिलावे खातिर कौनो ना कौनो रास्ता निकाल ही लेवे ले। हम राजा के पत्नी तो बन गई नहीं, पर उनका के पिता बने के सुख हम कबो ना दे पाए। जे गलती करेला ना ओके ओकर सजा ए धरतीये पे मिलेला, यही जा मिलेला ओके ओकर सजा। खैर छोड़ा,
तू हमके काहे के ये सब बतावत अड़ू? काहे के हम चाहता नहीं कि तू राजा से शादी करला। ऐसे दो प्यार करे वाला लोग पूरा जीवन एक दूसरे के साथ रही है, हमरा खातिर राजा के खुशी से बढ़ के और कुछ नहीं के। यही में राजा के खुशी बा, और अगर सोच के देखबू तो यही में तोहरो खुशी भी बा। शिक्षा के बिया हुआ ना हो सकेला तो ना हो सकेला, हम कबो न हो देव। का है? अरे अच्छा लड़का बा, अच्छा घर बार बा, तेरा का दिक्कत बा? अरे तोहरा के कोनो खबर बा का? जौन धोखा हमरे साथ भइल उ धोखा हम शिक्षक साथ कबो न होखे देव। अरे पापा, दुनिया में लइकन के कमी बा का? हाँ, जौन तू शादी शुदा लड़का के साथ शिक्षक के ब्याह करावत बड़ा? हाँ, अरे ओकर ब्याह ओकरे साथ भइल बा, भूमि भूमिया के साथ, जकरा खातिर हमार रात दिन दिल जलत बा। अच्छा, तो ई बात के तहरा परेशानी बा? ना, हम ई बात खातिर ना परेशान बनी। जान तहरा के समझे की बा तू समझा, लेकिन ब्याह ना होई तो ना होई। काहे भैया, जब वो हमके पसंद करेलन और हम उनके, और घर में भी सबके और राजी बा, तो तोहके का दिक्कत बा? का हमार खुशी में तोहर खुशी नहीं खे? देवर जी, शिक्षा के ब्याह के जिम्मेदारी तो हमनी के ऊपर बा ना। आखिर शिक्षा के ब्याह कहीं ना कहीं तो करही के पड़ी ना। वैसे भी हमनी के उनकरा से नीमन लड़का खोजले पे भी कहां मिली। हाँ, तू ठीक कहत अरु बहु। अरे ये दोनों एक दूसरा के जानेलन, पहचानेलन, अच्छे से प्यार करेलन। तू चिंता मत कर बेटा, समझला, सब ठीक हो जाये। हम जाता नहीं, आज उनका के खबर देता नहीं, ठीक बा? तो ठीक बा, तोहरा के जौन करे एक बार करा, जहाँ ब्याह करवाओ एक बार करवावा, लेकिन ब्याह के बाद कोनो गड़बड़ भइल ना तो हमारे पास मत आइहा, हाथ उठा दे, ठीक बा? बाबूजी, बोली ना उनके। अरे छोड़ ना बेटा, पागल बा, यही खातिर तो ओकर मतारी ओकर नाराज बड़ी। तू चिंता मत करा, तहार ब्याह ओजी हुई, ठीक बा? सच ना, जा खुश रह। तोहरा के जौन करे एक बार करा, जहाँ ब्याह करवाओ एक बार करवावा, लेकिन ब्याह के बाद कोनो गड़बड़ भइल ना तो हमारे पास मत आइहा, हाथ उठा दे, ठीक बा? हेलो। बस कुछ दिन के बाद बा, ओकरा बाद फोन करने की जरूरत ना पड़ी। पूछा काहे? काहे खातिर? अरे बुद्धू, कुछ दिन के बाद हमने के ब्याह हो जाए और हम ओकरा बाद तोहर सामने 24 घंटा रहब। का भाई? अच्छा छोड़ा, ही बतावा, भूमि से तलाक के बारे में बात भइल? हाँ, बात भइल, तैयार बाड़ी। का बात कर तड़ा, इतना बोर खुशी हमसे अभी ले छुपे ले रहा, बोला काहे? अच्छा ये बतावा, कब ले बोल लिया तलाक देवे खाते के? अच्छा ठीक बा, हम बाद में बात करते हैं। रुका, यहीं जावा, बैठा। का बात बा, का कल चाहता रहा? इतना बेचैन काहे बड़ा?
भूमि एगो बहुत जरूरी बात करे के बा, लेकिन बोले के हिम्मत नहीं खे होत। जब बात जरूरी बा तो कबले अपना अंदर दबा के रखवा, बोल दा। वो कहतिया कि वो हमसे तबे शादी करी जब हम तोरा के तलाक दे। हम ओकरा के समझावे की कोशिश के नहीं, इस सब के कोनो जरूरत नहीं खे, दोनों लोग साथ में रह सकता और इमे भूमि के कोनो प्रॉब्लम भी नहीं खे, लेकिन हम तलाक देवे खातिर तैयार बानी। का हाँ ठीक है तबा, वो एकदम सही कहा तारी। लोग अपन प्यार तो बटवे ना करे ले, केहू अपना पति में बंटवारा कैसे सहली। चिंता मत करा, शिक्षा के बोल दिया कि हम तलाक खातिर तैयार बनी, जहाँ कहबा वहाँ साइन कर देव।